हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। अपना जो रनिंग चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक नए साझेदार का प्रवेश, इसके अंदर पिछले वीडियो के अंदर अपन ने ख्याति के मूल्यांकन की विधियां ये टॉपिक लिया था। ख्याति का मूल्यांकन या गुडविल का मूल्यांकन कौन कौन सी विधियों से किया जाता है, और उसके अंदर अपन ने जो फर्स्ट मेथड पढ़ा था वो था औसत लाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय द एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज का जो टॉपिक है ख्याति के मूल्यांकन करने के लिए सेकंड मेथड, जो दूसरी विधि है, उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि भारित औसत लाभ विधि। कौन सा लाभ? भारित औसत लाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन। स्टूडेंट्स, इस विधि का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी बिजनेस के अंदर या किसी फर्म के अंदर प्रॉफिट्स रेगुलरली इंक्रीज होते जाते हैं या डिक्रीज होते जाते हैं, तो ख्याति का मूल्यांकन भारित औसत लाभ विधि से किया जाता है। ख्याति का मूल्यांकन कौन सी विधि से किया जाएगा, ये सब पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होता है। जैसे मान लो 2015 के अंदर प्रॉफिट था 15,000 का, फिर 2016 में बढ़कर 17,000 का हो गया, फिर 2018 में 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और 2019 के अंदर 25,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर 30,000 का प्रॉफिट हो गया। मींस द ट्रेंड ऑफ द प्रॉफिट्स इज रेगुलरली इंक्रीजिंग, यानी कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, तो भी रेगुलरली यदि डिक्रीज हो रहे हैं तो भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से ख्याति का जो मूल्यांकन है वो किया जाता है। भारित औसत लाभ विधि से ख्याति का जो मूल्यांकन किया जाता है, ख्याति बराबर या गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेजेस। हिंदी के अंदर ख्याति बराबर भारित औसत लाभ इनटू दिए गए वर्षों का क्रय आधार। वर्षों का क्रय आधार मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा, इसलिए इसकी कोई टेंशन लेने की अपन को आवश्यकता नहीं है। अब यदि क्वेश्चन के अंदर भारित औसत लाभ नहीं दे रखा है तो हमको भारित औसत लाभ कैलकुलेट करना पड़ेगा। भारित औसत लाभ को कैलकुलेट करने का जो सूत्र है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, अर्थात भारित औसत लाभ इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि गुणन फलों का योग बटा टोटल ऑफ वेट्स दिए गए भारों का योग। जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको वेट दिया जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से उनको वेट्स दिया जाता है, या जस्ट अपोजिट डिक्रीजिंग वेट्स भी दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं वेट्स, और ये गुणनफलों का योग और दिए गए भारों का योग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अभी अपन एक एग्जांपल की सहायता से देखेंगे, ध्यान देके समझेंगे, तो एक बार में ही आपको इस मेथड से ख्याति का मूल्यांकन करना आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, भारित औसत लाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, मैंने एक क्वेश्चन लिया है। यह कॉलम ईयर्स का, दिए गए वर्ष, इन वर्षों के अंदर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ ये दिया हुआ है। 2012 में 10,000 रुपए का प्रॉफिट, 2013 में 12,000 रुपए का प्रॉफिट, 2014 में 15,000 का, 15 के अंदर 20,000 का, और 2016 के अंदर 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। स्टूडेंट्स, अपन देख रहे हैं कि जो प्रॉफिट्स का ट्रेंड है वो रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है,
पहले 10 हुआ, फिर 12 हुआ, 12 से बढ़कर 15 हुआ, 15 से 20 हुआ, और 20 से 30 हुआ, यानी कि प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं। अब इनको वेट देंगे, जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं, इनको भार दिया जाएगा। सबसे ज्यादा भार लेटेस्ट ईयर को दिया जाएगा। लेटेस्ट ईयर कौन सा है? 2016, या और सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी इसी वर्ष के अंदर है, तो लेटेस्ट ईयर को सबसे ज्यादा वेट दिया जाएगा। ये जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं, इनको वेट दिया जाएगा, और फिर इस वेट से इन प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करके गुणनफल ज्ञात कर लिया जाएगा। मैं यहाँ पर वेट दे रहा हूँ, यहाँ पर 2012 के अंदर मैंने वेट दिया 1, फिर 2013 के अंदर वेट दिया 2, फिर दिया 3, और फिर दिया 4, और फिर दिया 5। 2016 को मैंने 5 वेट दिया। अब नेक्स्ट कॉलम है प्रोडक्ट्स का। अब हम इसका गुणनफल लेंगे, 10,000 को 100 गुणा करेंगे तो 10 एकम 10,000 और 12 दुनी 24,000। यहाँ पर प्रॉफिट था 15,000, 15,000 को 300 गुना करेंगे तो 15 थी 45,000, और 15 थी 45 के बाद में 20,000 को 4 से गुना करेंगे तो 20,80,000, और फिर 3×15 150,000 रुपए इसका गुणनफल आ जाएगा। मैं इसका टोटल ले लूंगा प्रोडक्ट्स का, तो 000 4 और 5 9 1 और 2 3 और 4 7 और 8 15 और 5 20 की 0 2 2 और 1 3 एक बार कैलकुलेशन वापस चेक कर लेते हैं। 0 4 5 9 1 2 3 और 4 7 और 8 15 5 20 की 0 1 2 और 1 3। अब भार जो वेट दिए हैं, अब इसका भी अपन टोटल लेंगे तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, इस तरह से ये अपन कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि भारित औसत लाभ के 2 गुने के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करो। वी आर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेजेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सूत्र लिख लेना चाहिए, तो मैं यहां पर सूत्र लिख रहा हूं, गुडविल इज इक्वल टू गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट के 2 गुने के आधार पर या 2 वर्षीय के आधार पर अपन को ख्याति का मूल्यांकन करना है, तो इसको अपन 2 से गुणा कर देंगे। अब अपने पास में गुणनफलों का योग भी है और दिए गए भारों का योग भी है, लेकिन अपने पास में भारित औसत लाभ यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको अभी सूत्र लिखवाया था। सूत्र क्या था? गुणनफलों का योग। तो गुणनफलों का योग कितना है? 3,09,000, और इसके अंदर टोटल ऑफ वेट्स, तो वेट्स का टोटल कितना है? 15। इसको 15 से डिवाइड कर देंगे तो 3×15 3 एकम 3 0 3 दिया 9, और ये 3 0। अब 5 से ये कट जाएगा तो 5 दूनी 10, 3 में भाग जा नहीं सकता, भाग टूट गई, 0 5 6 30 20,600 रुपए। ये जो 20,600 रुपए का फिगर आया, ये हमारे पास में क्या आ गया? भारित औसत लाभ आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को फॉर्मूले के अंदर रख देंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया 20,600, और 2 वर्षीय क्रय आधार पर हमको ख्याति का मूल्यांकन करना है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, और जब 2 से इसको गुना करेंगे तो ये 0 2 6 12 का 2 1 और 2 2 4 41,200 रुपए ख्याति का मूल्यांकन हो गया। बोर्ड के ऊपर मैंने पहले से आंसर लिखा हुआ था ताकि अपना आंसर मैच हो जाए, और आप लोग देख रहे हैं कि जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। अब जैसे ही नया पार्टनर आएगा तो उसको अपने हिस्से की गुडविल लानी पड़ेगी। जैसे मान लो एक सी नया पार्टनर आता है 1/4 हिस्से के लिए, तो वो अपने हिस्से की गुडविल 41,200 के अंदर से 1/4 हिस्से की जो गुडविल लाएगा, वो 4 एकम 4 भाग टूट की 0 4 दिया 12, और वो अपने हिस्से की गुडविल कितनी लाएगा?
10,300 रुपए की गुडविल लाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने सारा कैलकुलेशन देखा और मैं आशा करता हूं कि आपको ये विधि समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कोई डाउट्स है और क्वेश्चन है तो आप मेरे से इसको क्लियर कर सकते हैं। अपने इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पूंजीकरण विधि यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है इसकी चर्चा करेंगे। आपने रुचि लेकर इंटरेस्ट लेकर इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं। दैट्स ऑल, इट्स ओवर।